दोस्तों नमस्कार, ग्रेट मॉर्निंग। मैं संतोष सुना आप सभी सामने एक जबरदस्त डेमो लेके आया दोस्तों। ये डेमो है हम सभी किसान भाइयों के लिए, इंडिया ग्रो एमआई स्प्रे प्लस। दोस्तों ये ऐसा एक प्रोडक्ट है जो हर किसानों के पास होना चाहिए दोस्तों। अभी जैसा कि आपको पता ही है कि किस कृषि का समय चल रहा है, तो हर व्यक्तियों के पास में ये होना चाहिए, हर डिस्ट्रीब्यूटर पास में और हर किसान के पास ये होना चाहिए। इसका रिजल्ट जबरदस्त है दोस्तों। ये बहुत जल्दी पत्तों में काम करता है, पौधों में जल्दी काम करता है, और ये लगभग आपको एक घंटा तेज बरसात होने से भी आपको ये फसल को बचाता है दोस्तों। और ये चिपकता बहुत जल्दी है, फैलाव बहुत जल्दी अच्छा करता है, और साथ ही साथ में ये जो नीचे कीड़ा भी होगा, कीड़ा को अच्छा व्यवस्थित कर मारता है। तो इसको आपको डेमो दिखाऊं, लाइव डेमो, तो हम देखते हैं दोस्तों इसके बारे में। दोस्तों ये चार प्रकार से मैंने पत्ता लिया है। इस पत्ता में हम लोग पहले पानी डालेंगे, चारों पत्ते तो पानी बनाकर पानी डालेंगे। दोस्तों देखिए ये सिर्फ पानी डाला हुआ है, लेकिन हमारे ये इस प्रोडक्ट का एमआई स्प्रे प्लस का इसका पावर देखिए दोस्तों कितना जबरदस्त करके काम करता है। तो हम इसका डेमो देखेंगे। देखिए दोस्तों ये कितना जल्दी फैलाव कर रही है, कहने मतलब ये फैलाव कितना जबरदस्त है इसका। इसी पर इसको भी, इस पत्ते को भी देखिए। देखिए ये लाइव डेमो आपको दिखा रहा हूँ मैं आपको, कि ये हमारा प्रोडक्ट कितना शानदार है ये। और ये आम का पत्ता है दोस्तों, ये बरगद का पत्ता है, ये वाला ये बरगद का पत्ता है ये, और ये एक ऐसी पत्ता लेके आए, और ये सीताफल का पत्ता है, और ये आम का पत्ता है। देखिए दोस्तों कितना जबरदस्त प्रभाव पड़ता है यहाँ पर, फैलाव इसका, फैलाव चिपकना फसल में बहुत जबरदस्त कार्य करता है ये। और हर किसान को दोस्तों ये अपने पास रखना चाहिए, इंडिया ग्रो एमआई स्प्रे जबरदस्त रिजल्ट है। विश्वास कीजिए आपका खेत को हरा भरा करके रखेगा, और कीटाणुओं से, कीड़ों से, हर प्रकार से ये बचाएगा आपको। तो इसी विषय के साथ मैं सभी किसान भाइयों से मैं अनुरोध करूँगा कि इसको एक बार अपने खेतों में यूज कीजिए, अपने फसल को बचाइए। और हमारा एक लक्ष्य है, एक हमारा गोल है जैविक खेती। जैविक खेती इसके माध्यम से हम लोग जहर मुक्त खेती का शुभारम्भ कर रहे हैं। इसी से जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय तीन।